पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। मैंने तुमसे सीखा है कि प्यार होता क्या है पश्मीना, जबकि मुझे तो जानना भी नहीं था कि ये प्यार क्या चीज है। लेकिन जिस दिन से तुमको देखा है ना, उस दिन से इस दर्द को लिए घूम रहा हूं मैं, प्यार का दर्द। और वो दर्द आज भी है क्योंकि मुझे प्यार आज भी है, बिकॉज आई स्टिल लव यू। देखो राघव, आज मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। पश्मीना, मैं तुम्हें उससे शादी करने नहीं दे सकता, वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम्हारी बातें सच है ना राघव, तो प्लीज मेरा एक काम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपनी मम्मा का सर और नहीं झुका सकती। मैं हमारे प्यार, प्लीज राघव मुझे जाने दो। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें वापस। नहीं, मैं, सब लोग सवाल करेंगे पश्मीना, जवाब मैं दूंगा, प्लीज मुझे इतना करने दो। हिम्मत कैसे हुई मेरे राघव पर इल्जाम लगाने की? कम ऑन, बोलिए प्रीति जी, किस बिना पर आप राघव पे ये सारे घटिया इल्जाम लगा रही हैं? हम सब जानते हैं राघव कैसा है, क्या है, और सब ये भी जानते हैं कि आप और आपकी बेटी, मेरी बेटी निर्दोष है। आपने कहा और हमने मान लिया। चलिए मैं भी कुछ कहता हूं, हो सकता है कि पश्मीना ने राघव को मजबूर किया हो कि वो उसे भगा ले जाए। हाँ, उसके सामने वो अपना रोना रोई होगी कि वो खुश नहीं है। वो जानती थी कि राघव अपने घर के लिए जरूर लड़ेगा, तो बेस्ट है ना, खुद को उससे भगवा लो। इट सूट्स परफेक्टली वेल। नहीं, ये सब मत करो अविनाश। धमकी दे रही है प्रीति जी। वाह, बेटी भाग गई पर माँ बाज नहीं आ रही। मैंने तो पहले ही पता सी कि इस लड़की ने कोई गुल जरूर खिलाना है। कैलाश जी, हमको ना माफ कर देना आप, हमने तो सोचा भी नहीं था कि नजायज माँ की नजायज बेटी ऐसा कोई कांड करने वाली है। भाभी, सच पट्टो दीदी, अभी भी आप जबान लड़ा रही है, आपको तो अब शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए सबसे। हाँ, नहीं तो मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूँ वो अपनी मर्जी से नहीं गई है। जैसे भी गई है, पर गई है ना, इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है? उसकी दुल्हन उसके मंडप से गायब है प्रीति जी, इस पर रिश्ता लेके आप आई थी ना आपने, और पश्मीना ने कहा था ना कि वो मेरे बेटे से शादी करना चाहती है, तो फिर क्या हो रहा है ये? मेरा यकीन कीजिए कैलाश जी, आपका अतीत बुला के सारी सिल्लत खुद ली, तब जाके रिश्ते को माना था मैं। पश्मीना ने सबके सामने ये रिश्ता ठुकराया, फिर भी बड़ा दिल करके आज उसे अपनाने वाला था मैं। वो नाजायज गंदा खून है, फिर भी इतना बड़ा घर आज उसे गिफ्ट करने वाला था मैं। मेरी बेटी को गंदा खून मत कहिए। क्यों क्यों ना कोई कहे उसे गंदा खून? हाँ, इस आदमी ने हमारा घर हड़पा है, और जो करता है सामने से करता है, और आप और आपकी बेटी तो पीछे से वार करने वालों में से हो। जय माता दी, जय माता दी। हमने घर के बाहर के आंगन में गंगा जल छिड़क के उसे पवित्र कर दिया है। लीजिए बहन जी, ये गंगा जल माँ छिड़की है। नहीं पंडित जी, उनके हाथ में गंगा जल मत दीजिए, कहीं गंगा जल अपवित्र न हो जाए। और गंदे खून को गंदा ही कहते हैं प्रीति जी, सब जानते हैं कि पश्मीना गंदा खून है, और आप भी। मत करो विनाश। सच्ची तो कह रहा हूं, इस गंगा जल से भी आपके पाप नहीं धुल सकते। मेरे पाप अविनाश? तुम अगर गंगा जी में डूब गए ना, तो भी तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे, समझा अविनाश शर्मा? प्रीति, और मैं गंदा खून, मेरी बेटी गंदा खून, तो तुम क्या हो? तुम वो कीड़े हो अविनाश, जिससे मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन गई है। तुम
तुम गंदा खून हो अविनाश, तुम गंदा खून हो, और तुम उसे पाप कह रहे हो जबकि तुम खुद एक पाप की मूरत हो। हमारी जिंदगी में जहर फैलाने वाले सांप हो तुम अविनाश, और तुम जिसे पाप कह रहे हो ना वो तुम्हारा पाप है अविनाश। पश्मीना तुम्हारी बेटी है, तुम उसके पाप हो अविनाश। ये मेरे पिता हैं। मम्मा क्या ये सच है? सच है, ये यही है वो आदमी जिसके साथ इसने मुंह काला किया था और हमारी इज्जत मिट्टी में डुबो दी थी। नानी, अविनाश क्या ये सच है? बोलो। मेरा सच सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूरा पासा ही पलट जाएगा। मामा आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तुम कहां थे पश्मीना? तुम यहाँ क्यों नहीं थी? अगर तुम यहाँ होती तो ये सब कुछ। सॉरी मम, पर अब मैं आ गई हूँ, अब चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो भी बात करनी है ना यहाँ सबके सामने कर लो, इतने बड़े बड़े राज खोल दिए, हमें भी तो सवालों का जवाब चाहिए। मेरे लिए मेरी माँ से बात करना ज्यादा जरूरी है। रुक जाओ पारस, तो चुप कर राघव कौल, मैं अपनी होने वाली बीवी से बात कर रहा हूँ। I'm sorry, पारस, पर अब ये शादी नहीं हो सकती है। शादी तो होकर रहेगी, पर तुम ये बताओ कि तुम थी कहां, किसके साथ गई थी, इस बाहर वाले के साथ गई थी? ओ, मुझसे बात कर। पश्मीना को मैं वापस लेकर आया, राघव ही मुझे वापस लेके आया है। जब मुझे पता चला कि हमारी शादी कौल कुटीर में हो रही है तो मैं यहाँ से चली गई, क्योंकि मुझे इस घर में तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। चली गई थी बिना किसके बोले हुए? तुझे क्या मैं जोकर लगता हूँ, बच्चा लगता हूँ? पारस तुमसे नफरत करता है क्योंकि तुमने उसकी सबके सामने इंसल्ट की थी, उसको रिजेक्ट किया था, और इसका बदला वो तुमसे शादी करके लेना चाहता है बाय टॉर्चरिंग यू। जाने दो पारस, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। पारस भाई, तुम शादी के सपने देखना छोड़ दो, ये लड़की तुम्हें बस घुमा रही है। मैं तुम्हें वापस रिश्ता नहीं तोड़ने दूंगा पश्मीना। पारस, मुझे इस घर में तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। हम इस घर में कैसे फेरे ले सकते हैं जबकि ये घर किसी और का है? तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती ये घर हड़पा है। बड़ी आई माँ बेटी हमें धोखा सिखाने वाली, तुम तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की? उसने कहा ना तो ना। पश्मीना बेटा, तुम ठीक हो?
शायद मेरा हक नहीं बनता। सही कहा तुमने अविनाश शर्मा, कोई हक नहीं बनता तुम्हारा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।